एमजी हेक्टर को मिलता है अपनी कैटेगरी का सबसे बड़ा टच स्क्रीन, और अगर मैं लेफ्ट टर्न करता हूँ या राइट टर्न करता हूँ तो मेरा इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसमें सनरूफ को आप परसेंटेज वाइज खोल सकते हैं। इसमें 75 प्लस कनेक्टेड का फीचर्स एंड बहुत सारे और फीचर्स हैं। बट आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमजी हेक्टर का असली टेस्ट। क्या सेकंड रो में 3 लोग बैठ सकते हैं? क्या इस गाड़ी की बूट स्पेस बड़ी है? हेडलाइट का थ्रो अच्छा है? म्यूजिक सिस्टम कैसा है? ब्रेकिंग कैसी है? बहुत सारे ऐसे टेस्ट करेंगे जो केवल मोटर ऑक्टेन आपके लिए करके दिखा रहे। तो किस बात के लिए रुके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम डिजाइन के बारे में बात नहीं करते क्योंकि डिजाइन एक बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है। किसी के क्या डिजाइन पसंद आता है, किसी कुछ और, बट हम वो पॉइंट्स कवर करने वाले जो आप एज अ कार बायर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो फर्स्ट लेट स्टार्ट विद द हेडलैम्प्स। यहाँ पे आपको स्प्लिट हेडलैम्प टेक्नोलॉजी आती है, तो ऊपर आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स आती है जो ऑल्सो काम करती है एज योर इंडिकेटर्स। नीचे आपके पास LED हेडलैम्प्स है जिनका थ्रो एंड स्प्रेड अच्छा खासा है। आपके पास नीचे फॉग लैम्प्स जो हैं वो भी LEDs है। सो फ्रंट अगर आप देखते हो, दे आर ऑल व्हाइट लाइट्स जो आपको मिल जाती है ऑन द हेक्टर। वहीं पे लेट्स मूव ऑन टू द साइड प्रोफाइल। आप नोटिस करोगे कि आपके पास जो वाइपर्स आते हैं दो क्वालिटी के आते हैं जनरली। एक रेगुलर वाइपर आता है, एक एरोट्विन वाइपर आता है। एरोट्विन वाइपर जनरली 3 से 4 गुना महंगा रहता है। तो अगर रेगुलर वाइपर 500 का है तो ये 1500-2000 के बीच में इसकी कॉस्ट पड़ जाती है। सो ये इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं एरोट्विन वाइपर्स, जो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि हेक्टर में कॉस्ट कट नहीं किया गया ऑन द वाइपर फ्रंट। आपको 18 इंच के व्हील्स आते हैं, अलॉय व्हील्स आते हैं, और साथ ही में आपको 192 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ दे दिया गया। यू ऑल्सो गेट रूफ रेल्स, आपके पास शार्क फिन एंटेना इस गाड़ी के अंदर। साथ ही में इसमें चढ़ने उतरने में आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, ना ही काफ़ी लो है। तो इसका डोर भी अगर आप देखते तो काफ़ी वाइड खुल जाता है, तो इस वजह से चढ़ने उतरने में आपको गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से गाड़ी के अंदर चढ़ और उतर सकते हो बिना किसी इनकन्वीनियंस के। साथ ही में अगर आप रियर के बारे में जानना चाहते हो कि बूट स्पेस कैसी है गाड़ी की, तो वहाँ पे आपको बता दूँ, एक तो इसका टेलगेट इलेक्ट्रिकली ओपनिंग है, और अगर आप दूसरी गाड़ियों से इसे कंपेयर करें जो दूसरी 5-सीटर SUVs आती है, उन सब में से इसका बूट स्पेस सबसे बड़ा है। तो अगर 5 लोग एक रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो सामान ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा सामान ईजिली इसमें बैठ जाएगा। अगर आप इसकी चाबी देखते हैं तो इस पर लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग ऑप्शन दिया गया, और इसमें आपको 17 इंच का स्पेयर व्हील मिल जाता है। हेक्टर में आपको ब्लैक एंड बेज कलर के इंटीरियर्स मिल जाते हैं, और ये मिक्स ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड प्लास्टिक्स दोनों का मिक्सचर है, चाहे आप डैशबोर्ड की बात कर लो या डोर की बात कर लो। लेकिन ओवरऑल जो फिट फिनिश है, टच एंड फील ऑफ मटीरियल्स है, वहाँ पर हमारी कोई कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं। अब अगर आप फ्रंट सीट्स की बात करते हैं तो ये काफ़ी वाइड है, तो अगर आप पतले हैं, चौड़े हैं, देन इन दैट केस आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और सीट्स का जो बोलस्ट्रिंग क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। सो ओवरऑल अगर आप एक लंबे सफ़र पे कभी जाते हो, आपको थकावट इतनी आसानी से नहीं होगी, सीट काफ़ी वाइड एंड कम्फर्टेबल। अब यहाँ पे अगर आप फीचर्स के बारे में बात करते हो तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। लेट मी ट्राई एंड सी मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए कवर कर सकता हूँ। हेक्टर में एक बहुत ही यूनिक फीचर है एंड आई वांट टू पॉइंट दैट आउट, इट्स कॉल्ड ब्लूटूथ की, यानी कि आपके ऐप पे जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें आपके पास ब्लूटूथ की आ जाता है। तो जैसे ही आप गाड़ी के पास आते हो आप उसे लॉक और अनलॉक कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम योर स्मार्टफोन, और ये इंस्टेंटली हो जाता है। बाकी सब में कैसे वो समय लगाता है, इसमें ये इंस्टेंटली होता है। और आप चाहो ना तो आप अपनी की को शेयर भी कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। वैसे जो आपका कार अनलॉक कनेक्टेड कार से चलता है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, हियर इट्स मच क्विकर एंड डेफिनेटली एक ब्लूटूथ की तरह ही फंक्शन करता है यहाँ पे। वहीं पे अगर आप लेफ्ट या राइट स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तो आपका इंडिकेटर ऑन हो जाता है। तीसरा, अगर आप इंडिकेटर देते हैं और आप लोअर स्पीड पे है तो आपका जो ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग फीचर है वो यहाँ बड़ी स्क्रीन पे एक्टिवेट हो जाता है। अब इसमें आपको नया एक और एक चीज़ आया, विच इज़ द बिग
14-inch टच स्क्रीन सिस्टम, जो मेरे ख्याल से इंडिया की सबसे बड़ी टच स्क्रीन सिस्टम है आज के तारीख में। ओवरऑल यूआई में इम्प्रूवमेंट आते गया है, मोस्टली रिस्पॉन्स में इम्प्रूवमेंट आते गया है, एंड आज इसका रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया है। और साथ ही में इसके 360 कैमरा को भी इम्प्रूव कर दिया गया है, एंड अब इसमें आपको HD क्वालिटी का 360 कैमरा मिल जाता है, जिस वजह से आपको पार्क करने में काफ़ी ईजी है, वो जजमेंट जो आता है ना वो ज़्यादा बेटर हो जाता है विद अ बेटर क्वालिटी कैमरा। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले, इस पर बड़ा कारप्ले देखना, इट लुक्स फैंटास्टिक, मतलब बड़ा मैप चल रहा है, इट मतलब वो एक अलग टाइप की फीलिंग आ जाती है उस पर। आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल है, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग दी गई है, ऑफकोर्स यू हैव द मैसिव सनरूफ, और इवन कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ADAS के फीचर्स के बारे में बात कर लूँ तो ये जो भी ऑफर करती है वो दूसरी गाड़ियाँ जो ये कैटेगरी में उनसे ज़्यादा है। आई एम गिविंग यू द लिस्ट ऑफ कनेक्टेड कार फीचर्स, बहुत सारे हैं, एंड देन ADAS के फीचर्स भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ आफ्टर दिस, इसकी भी लिस्ट काफ़ी लंबी यहाँ दी गई है ऑन ऑफर एट द मोमेंट। इसमें आपको इन्फिनिटी के स्पीकर्स आते हैं जो बहुत ही बढ़िया ऑडियो क्वालिटी के हैं, एंड आपको बता दूं इन्फिनिटी भी हारमन JBL सेम कंपनी का ही है, जिस वजह से आप ऑडियो एक बार सुनोगे यू विल फॉल इन लव विद इट। सो ओवरऑल इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मुझे इसका लाउडनेस बहुत पसंद है। दूसरे फीचर्स कवर करें तो दोनों फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड है, अगर आप CVT वर्जन लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है इसमें, एंड अगर आप सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, मोर देन दैट इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है That's worth talking about. मतलब आप इस गाड़ी का डोर खोलोगे you'll feel how heavy and how solidly built it is. मेरी हाइट 6 feet है just for your reference, और अब मैं सीट को एडजस्ट कर रहा हूँ as per my driving position. तो ये एकदम परफेक्ट है। अब चलते हैं बैक सीट पे, दिखाने कितनी स्पेस दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डोर काफ़ी वाइड खुल जाता है और चढ़ने उतरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है किसी को। सो डोर का थर्ड सुना आपने, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि डोर का जो क्वालिटी है, जैसे आप डोर खोलोगे यू विल स्टार्ट फीलिंग हाउ हैवी एंड वेल बिल्ट द कार इज। सो यहाँ बैक सीट पे अगर आप बैठते हो आपके पास अच्छा खासा हेडरूम है, नी रूम की भी कोई कमी नहीं है, एंड थाई सपोर्ट इज डिसेंट इनफ टू। तो अगर आप टॉल पैसेंजर हो आपको बैक सीट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्पेस। यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं आपके लिए विच कैन बी इजीली एडजस्टेड। आपके पास AC वेंट्स है पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए, एंड जो फ्लोर है वो कम्प्लीटली फ्लैट है, तो इस वजह से जब 3 लोग यहाँ बैठेंगे उन्हें दिक्कत नहीं होगी। और गाड़ी काफ़ी वाइड है, चौड़ी है गाड़ी, तो हमने जब 3 लोगों को बिठा के देखा हमने नोटिस किया कि उनके लिए एक मोर देन सफिशिएंट स्पेस है इन द सेकेंड रो, तो वो कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी सीट जो है ना रिक्लाइन और होती है, जिस वजह से आप और कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं ऑन अ रोड ट्रिप। अगर 2 लोग बैठ के जा रहे हैं तो और कंफर्टेबली ऐसे आर्मरेस्ट को यूज़ करते हुए जा सकते हैं एंड इन्जॉय द बैक सीट टू। हेक्टर की ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट दोनों में आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट आ जाता है। इसका स्टीयरिंग व्हील जो है टेलीस्कोपिक है, इसका मतलब है आप हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट यहाँ कर सकते हो। फ्रंट डोर पैड में अगर आप देखते हैं तो आपकी एक बॉटल बैठ जाती है। आपके पास आर्मरेस्ट में अच्छी खासी जगह है, काफ़ी डीप भी है फॉर गुड इनफ स्टोरेज। आपके पास 2 कप होल्डर्स भी हैं यहाँ पे फॉर इनफ सफिशिएंट स्टोरेज एज वेल। आपका ग्लव बॉक्स जो है डिसेंटली साइज्ड है, यहाँ पे आपकी 2 बॉटलें इजीली बैठ जाती है, सो यू हैव मोर देन सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस हियर। राइट साइड में भी ड्राइवर के पास स्टोरेज दी गई है जहाँ पे आप कैश वॉलेट कुछ भी रख सकते हैं। पीछे के डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाती है। आपके पास सेकेंड रो में भी फोन रखने की जगह है, आपके पास 2 कप होल्डर्स रखने की जगह है इन द सेंटर आर्मरेस्ट एज वेल। सीट के पीछे भी आपके पास स्टोरेज है जहां पे आप फाइल्स फोन एक्सेट्रा रख सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट्स में आपके पास आगे एक वायरलेस चार्जिंग पोर्ट है, 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। आर्मरेस्ट में आपके पास एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया। ऑलराइट, अब गाड़ी चलाने की बारी, स्टार्ट कर देते हैं, डाल देते हैं ड्राइव एंड हियर वी गो। सो क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ जाता है तो इस वजह से मुझे हैंड ब्रेक छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे हेक्टर में आपको 2 इंजन आते हैं, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो मैनुअल एंड CVT दोनों के साथ अवेलेबल है। फिलहाल हम CVT चला रहे हैं।
सेकेंड इंजन आता है 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन जो केवल मैनुअल में अवेलेबल है। अब जो पेट्रोल इंजन है ना, ये काफी स्मूथ है, रिफाइंड है, NVH लेवल यानी कि नॉइस कुछ ज्यादा है नहीं, एकदम स्मूथली गाड़ी चलती है। और जो CVT है उसमें आपको इंस्टेंट टॉर्क भी मिल जाता है, तो आप एक्सेलरेटर दबाते हो आपको इंस्टेंटली पावर आ जाता है, तो सिटी ड्राइविंग में आपके लिए काफी कन्वीनियंट हो जाता है। वहीं पे अगर आप इसे हाईवे पे ले जाते हैं ओवरटेक करना है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, यू कैन इजीली ओवरटेक इन दैट एज वेल। पर एक चीज मैं आपके साथ यहाँ क्लैरिफाई कर देता हूँ, देखिए अगर आपको चाहिए हेक्टर जस्ट फॉर योर रेगुलर ड्राइविंग, आप सिटी में चलाना है, हाईवे पे चलाना है, सो इन दैट केस आपके लिए रेगुलर पेट्रोल इज मोर देन सफिशिएंट। पर अगर आप एक एंथूजियास्ट हैं जिसको परफॉर्मेंस चाहिए गाड़ी से, देन आई रिकमेंड कि आप 2 लीटर की जो डीजल इंजन है उसकी तरफ जाइए, क्योंकि उसमें जो पिकअप है, जो परफॉर्मेंस है, इज अ लॉट बेटर। वो आपको बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देगी एंड उसमें आपको 350 Nm का टॉर्क है, जिस वजह से ओवरटेक करना, दैट थ्रस्ट जो चाहिए ना आपको, वो वहां मिल जाता है, विच मेक्स इट रियली गुड टू ड्राइव फॉर एन एंथुजियास्ट। सो ओवरऑल दोनों इंजन जो है अलग अलग टाइप के बायस को केटर करती है। अगर आपकी रनिंग हाईवे पे ज्यादा है और आप काफी ज्यादा किलोमीटर्स करते हैं, देन अगेन अ डीजल इंजन शुड बी अ मच बेटर चॉइस। मैनुअल है, इजी टू ड्राइव है एंड आपको ओवरटेक करने में भी ज्यादा कन्वीनियंस मिलेगा। अब हेक्टर में एक मेजर एडवांटेज पता है क्या आता है, वो ये है कि जब आप यहाँ बैठते हो आपको ऑलमोस्ट पूरे बॉनेट के एजेस दिखते हैं। तो अगर इससे पहले आपने बड़ी गाड़ी नहीं चलाई, आप छोटी गाड़ी चलाते थे, तो इसमें आपको गेट यूज टू इट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ देखिए गाड़ी लंबी है तो पार्किंग अगर आप टाइट स्पॉट्स में करें तो थोड़ा दिक्कत तो आएगी ही आपको, वरना इट्स वेरी इजी एंड कंफर्टेबल टू गेट यूज टू द कार। तो अगर आप पहले बार बड़ी गाड़ी शहर में चला रहे हो, आपको जजमेंट में शायद से 1 या 2 दिन लग सकता है, उसे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सो ओवरऑल आपको जो ड्राइविंग कंफर्ट चाहिए, जो ईज ऑफ ड्राइविंग, कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े ड्राइव करने को, इट शुड बी एफर्टलेस, वो आपको हेक्टर यहाँ दे दिए। स्टीयरिंग व्हील भी काफी लाइट है, तो आप लिटरली 2 उंगलियों से लेन चेंज कर सकते हो। आपकी राइड क्वालिटी जो है बनाई गई है फॉर मोर कंफर्ट, तो इस वजह से थोड़ा सॉफ्टर सस्पेंशन इसको दिया गया है, यानी कि जब आप हैंडलिंग के ऊपर, राइड क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया गया इस गाड़ी पे। अब देखिए अगर आप एक एंथुजियास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बोलोगे यार हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं है, बॉडी रोल वगैरह है, बट अगर मैं एक रेगुलर कार बायर के एंगल से बात करूं तो आप यू नो 100-120 की स्पीड पे चलाओ, ज्यादा तेज भी जाओगे तो आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन जब आप तेज टर्न्स पे जाते हो तब आपका जो बॉडी रोल है दैट्स क्वाइट कंट्रोल्ड, तो इस वजह से आपको ऐसे नहीं लगेगा अरे यार गाड़ी हाथ से छूट रही है। इनफैक्ट जब हमने फर्स्ट टाइम हेक्टर चलाई थी तब हमने पहाड़ों में ही उसे चलाया था, आई डोंट नो आपने हमारा 2019 का वीडियो देखा है नहीं, बट हमने उसे केवल पहाड़ों में ही चलाया था, तो जो हमारी ड्राइव थी वॉज फैंटास्टिक एंड हमें उसे पुश करने में बहुत मजा आया था ऑन दोज रोड कंडीशन। सो ओवरऑल जो ड्राइविंग प्लेजर आपको देती है वो काफी अच्छा है, स्पेसिफिकली अगर आपको ईज ऑफ ड्राइविंग चाहिए, कंफर्ट चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। सो ये चीज आपको हेक्टर में हर बार मिलेगी, चाहे आप पेट्रोल की बात कर लो या डीजल की, कंफर्ट मिलेगा एंड आप गाड़ी में लंबे सफर पे चले जाए, यू कैन कीप ऑन ड्राइविंग द कार फॉर माइल्स एंड माइल्स, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर आप गाड़ी कॉन्स्टेंटली चला सकते हो, आपको थकावट नहीं होगी। इवन इसके मिरर्स काफी बड़े हैं तो आपको कहीं पे भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं फील होगा। सो ओवरऑल जो ड्राइव क्वालिटी है गाड़ी की, जो ईज ऑफ ड्राइविंग है, उस पर काफी ज्यादा फोकस किया गया। अब हेक्टर में आपको ADAS में भी काफी सारे फीचर्स आ जाते हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, और जैसे ही मैं लेन से बाहर जाने लगू तो ये बजने लगता है, ट्राइज टू पुल मी बैक इन टू द लेन। हेक्टर में आपको ADAS का लेवल 2 डेफिनेटली दिया गया, बट देयर इज वन फीचर आई वांट टू हाईलाइट, इट्स कॉल्ड ट्रैफिक जैम असिस्ट। तो ये आपके अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल से काफी सिमिलर चलता है। अब मान लीजिए आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है, ज्यादा तेज नहीं चलते हम सिटी में, राइट, वी मूव एट स्लो स्पीड 20-30 के स्पीड पे, तो अगर हमारे आगे वाली गाड़ी रुक जाती है हमारी हेक्टर भी रुक जाएगी, राइट, और 3 सेकंड में अगर वो गाड़ी चलने लगती है तो हेक्टर ऑटोमेटिकली चलने लगती है। तो यहाँ पे आपको ब्रेक या एक्सीलेटर दबाने की जरूरत नहीं, आपने जो स्पीड मेंटेन करने के लिए कहा है वो उतनी स्पीड को मेंटेन करेगा। सेकंड, अगर आपके आगे कोई गाड़ी रुक जाती है और वो ज़्यादा लंबे समय के लिए रुकी है, देन इन दैट केस आपको एक ऑप्शन आएगा टू जस्ट प्रेस द एक्सीलेटर। जैसे आप एक्सीलेटर दबाओगे गाड़ी वापस चलने लगेगी एंड यहाँ पे भी आपको स्पीड कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू ब्रेक, द कार विल डू दैट एवरीथिंग फॉर यू।
और मुझे बहुत सारे और एक्स्ट्रा ADAS के फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर, जैसे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड प्रीटी मच द लिस्ट. मैं आपके लिए वो लिस्ट पहले ही छोड़ चुका हूँ. सो इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा असिस्टेंस, आपको ये बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं ADAS में. काफ़ी लोग मुझे ADAS पे कहते हैं कि यार शायद इंडिया में ना चले, बट मैं पिछले 1-1.5 साल से ADAS यूज़ कर रहा हूँ एंड आई कैन टेल यू इट्स वर्थ ईच एंड एवरी पेनी. आप हाईवे पे जाओगे ना, तब आप रियलाइज करोगे कि ADAS कैसे आपको असिस्ट करता है. जब हमने इस पे स्पीड ब्रेकर टेस्ट किया तो हमने नोटिस किया कि ओवरऑल हेक्टर की राइड क्वालिटी काफ़ी सॉफ्ट है, विच मीन्स अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड चाहिए इट्स गुड इनफ फॉर पैसेंजर्स. वहीं पे ओवरऑल इसकी ब्रेकिंग सॉलिड है गाड़ी का डिस्पाइट द हैवी वेट एंड इट इजीली ब्रेक्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम. हिल क्लाइंब की अगर हम बात कर ले तो ओवरऑल गाड़ी चढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. CVT में आपको तुरंत ही टॉर्क मिल जाता है विच मेक्स योर ड्राइव वेरी कंफर्टेबल एंड आप आसानी से इसे पहाड़ पे चढ़ा सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस. ऑलराइट गाइस, सो अब वीडियो एंड करने की बारी. यहाँ पे हमने आपके लिए बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स कवर किए हैं एंड उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल गई होगी हेक्टर में क्या है. स्पेस, टेक्नोलॉजी, फीचर्स, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड हियर इन डिटेल. सो हेक्टर हमेशा से एक बहुत ही सॉलिड वैल्यू फॉर मनी पैकेज रहा है और अभी इट्स बिकम इवन बेटर क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज जो इस साल लॉन्च हुई है इसके साथ वो मुश्किल से कोई और गाड़ी में आती है एंड काफ़ी कुछ इसमें नया एंड यूनिक भी ऑफर कर दिया गया. तो इस वजह से अगर आज आप चाहते हो एक SUV एज एन अपग्रेड फ्रॉम योर करंट कार तो मेरे हिसाब से हेक्टर आपके लिए एक बहुत बढ़िया चॉइस वहाँ बन जाती है. स्पेस हमेशा से थी, फीचर्स पहले भी थे अब और ज़्यादा आ गए एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम MG हैज़ बीन एडिंग अ लॉट मोर टेक्नोलॉजीज. 2021 में भी एक अपग्रेड आया था, इस साल फिर से एक मेजर अपग्रेड आ गया. तो इस वजह से गाड़ी के अंदर जो फीचर्स जो टेक्नोलॉजी है वो आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट है अगर आप पूरी कैटेगरी में देखते हैं. साथ ही में आप दो टाइप के बायर्स इसे देख सकते हैं. अगर आपकी रनिंग मिनिमलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाते हैं, कभी कभार चलाते हैं या सिटी के अंदर ही चलाते हैं, तो इसका पेट्रोल इज़ गुड, आपको CVT वहाँ मिल जाता है. यू ऑल्सो गेट द मैनुअल बट CVT समथिंग आई विल प्रेफर फॉर यू अगर आपकी ड्राइविंग सिटी ट्रैफिक में. और अगर आप हाईवेज पे ज़्यादा जाते हो, आपकी ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा है, देन इन दैट केस गो इन फॉर द डीजल. डीजल एक फ्रूगल इंजन ऑप्शन आपके लिए वहाँ बन जाता है एंड ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हेक्टर हर बार अपनी वर्थ प्रूव करता रहा है. और जाके आप हमारे कंपेरिजन देख लो, मैंने हर बार कहा है कि हेक्टर वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स मार्केट में आज के तारीख में अवेलेबल है फ्रॉम द डे इट हैज़ बीन लॉन्च्ड. सो ये था हमारा आज का वीडियो. आई नो कभी कभार हमारे पास कन्फ्यूजन रह जाती है हेक्टर डीजल पेट्रोल यू नो CVT मैनुअल या फिर कुछ और, यू नो ये कन्फ्यूजन हो जाता है. इतने सारे ऑप्शंस आज मार्केट में अवेलेबल है. सो इन दैट केस आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फ़ोन कॉल पर जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो. जी हाँ, ऐसी सर्विस हम आपको देते हैं ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो. अब आप पूछोगे करना क्या है, सिर्फ चले जाइए motorauction.com/car-consultancy, वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विथ एंड एक्सपर्ट. और साथ ही में मोटोकटेन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हम आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लाने वाले इन द कमिंग डेज. सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय.